अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज एसएमएसबी यूट्यूब चैनल और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है वो है भावलपुर की मशहूर मस्जिद, मस्जिद अल सादिक के हवाले से। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त एसएमएसबी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये है हमारे सामने मस्जिद अल सादिक। मस्जिद के शुरू में ही वजू करने की एक बहुत बड़ी जगह बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है मस्जिद का सहन। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बरामदे बने हुए हैं। मस्जिद का सहन एक कदीमी सकाफत का मुंह बोलता सबूत है और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। से 200 साल पहले नवाब नूर मोहम्मद महरवी साहब ने इस मस्जिद अल सादिक का क्याम रखा और उसके बाद नवाब सादिक साहब ने सन 1935 में जब वो हज करके भावलपुर तशरीफ लाए तो इस मस्जिद की दोबारा से रेनोवेशन की। और इस मस्जिद में दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि एक वक्त में 50,000 से 60,000 नमाजी बयक वक्त नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, इसका जो एक मुकाम है पाकिस्तान में, इसको एक दौर था जब तीसरी बड़ी मस्जिद के हवाले से पहचाना जाता था और आज ये पाकिस्तान की टॉप 10 मस्जिद में इसका नाम है। पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली सतह पर इसका बहुत एक मुकाम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप भावलपुर तशरीफ लाएं तो मस्जिद अल सादिक में ज़रूर तशरीफ लाएं। ये एक शाहकार है जो नवाब साहब अब्बासी साहब के दौर का एक बोलता सबूत है। मस्जिद के मीनारों की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। कितने खूबसूरत और दिलकश इसके मीनार हैं। दोस्तों, ये है मस्जिद का अंदरूनी हॉल जहाँ पर नमाजी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और ये एक खूबसूरत और कुशादा हॉल है जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप वहाँ जाके जब नमाज अदा करेंगे मस्जिद में तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकेंगे। दोस्तों, जो ये दुकानें हैं, मार्केट है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इस मस्जिद की रेनोवेशन के लिए और मस्जिद के डिफरेंट किस्म के जो खराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको अफोर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारा का सारा इस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है वो है महकमा औकाफ।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री और ये व्लॉग पसंद आया होगा इस मस्जिद के हवाले से जो हमने आपको आज वीडियो दिखाई। तो इसी के साथ अपने दोस्त सैयद एहसन रिजवी को इजाजत दें और आप सबसे हमेशा की तरह दोबारा आखिर में रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त एहसन रिजवी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने दोस्त एहसन रिजवी को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।